राम राम जी, नमस्कार जी, कैसे हो आप सब? सब बच्चों नदी नाश्ता कर लीजिए, चाय है, मैगी है थोड़ी सी, ये मैंने लेट नाइट हल्की सी अपने लिए बनाई थी, मैंने कम कर दिया वैसे, अपना नमकीन है और रस है और हमारा डाइट प्लान आ गया, डाइट प्लान फॉलो करना है, ठीक है? पूरा राम राम जी, कैसे हो? ठीक है, डाइट प्लान पूरा फॉलो करना है और हमारी रोटी बहुत कम होने वाली है और पूरे दिन में सिर्फ 3 रोटी 4 रोटी लिखी हुई है, ठीक है? डाइट प्लान पूरा शेयर करेंगे, आप जो भी खाएंगे आप देखते रहना, अगर अच्छा लगे तो आप भी कर लेना, वैसे आप हमारा वेट देखिए कम होता है तो आप करना, 4-5 महीने रुकिए अभी, ठीक है? फिर फॉलो करते रहना, है ना? सही है, थैंक यू। आपके लिए एक शायरी है, सुनाओ। सुनाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे पता है आप सुबह 5 बजे जगते हो। अच्छा। मुझे पता है आप सुबह 5 बजे जगते हो। अच्छा। और सच कहता हूँ, मुझे आप ना बहुत सुंदर लगते हो। थैंक यू। ये शेर ना आपकी बहन के लिए था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मीनू जी, क्या एक सवाल और पूछना? पूछ लो। बताओ। देख ले, बता देगी ना? हाँ हाँ, पूछ लो। ठीक है, पूछता हूँ आज एक सवाल आपके लिए, मैथ का है, गणित का, पूछ लो ना यार, जो मर्जी पूछ लो। अच्छा ठीक है, 250 को गुणा 1000 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पता आप ही ने कहा था पिछली वीडियो में, लड़कियों में बहुत दिमाग होता है। जनता माफ नहीं करेगी, सोचो। पता नहीं, आप बताओ कुछ तो आंसर दे। आप बताओ कुछ तो, कोई आंसर, कोई आंसर, छोटा मोटा आंसर दे दे, छोटा मोटा आंसर दे दे, कुछ भी जैसे जो तेरे दिमाग में चल रहा हो। 250 को गुणा अगर 1000 से करते हैं तो क्या आंसर होगा? आप बताओ क्या आंसर होगा? 7 करोड़। असंभव। चरण का है तेरे। अच्छा मीनू, लड़कों में ज्यादा दिमाग होता है लड़कियों में? लड़कियों में। जनता माफ नहीं करेगी। अच्छा जी, कोई फुल कॉन्फिडेंस है, सवाल पूछ लूँ? एक सवाल पूछ लो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे, जिसको हम पीटते हैं और घर में खुशी होती है? जिसको पीटते हैं घर में खुशी होती है? ढोल। 7 करोड़। भगवान, इसको तो सारा पता है। मीनू ए, खुशी की बात, तेरे भाई का रिश्ता पक्का कर आया, मैं बड़ी गाड़ी दे रहे हैं, बड़ी गाड़ी। छोटी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत? लड़की की आंख में ना फर्क है, पर चल देगा, गाड़ी तो दे रहे ना, एक छोटी सी दिक्कत हो रहा है, लंगड़ा सी का चला, कोई नहीं, गाड़ी दे रहे ना, पर छोटी सी दिक्कत हो रहा है यार, इनको गुरबा मारूंगी। दिक्कत दिक्कत क्या दिक्कत है? क्या उसका ना एक बच्चा है, 2 महीने पहले शादी हुई थी उसकी, तेरी नॉन नॉर्मल चल गए यहां से, तो बस द्वारा मेरी जिंदगी खराब हो गई, उसकी भी कर दे, चल यहां से। और सामने तेरे एक तरफ मम्मी खड़ी है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, तो पहले तू क्या मारेगी? आपको मारूंगी। अबे मेंटल ब्रेक मारेगी, ब्रेक दिमाग तेरे पर नहीं सीखी जाती, चल एक्टिवा सीखेगी यार। नहीं। हाँ। एक बात बताओ, क्या वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है यार, बताइए? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? मुझे लगता ही नहीं। वेल्डिंग का क्या सीन है, पहले चिंगारियां लिखड़ा फिर स्विच जुड़ा। अच्छा। पहले चिंगारी लिखड़ेगी फिर लोहा जुड़ेगा। हाँ। और वेडिंग का क्या सिस्टम है, पहले 2 चीजें जुड़ जाएंगी आपस में और बाद में पूरी जिंदगी चिंगारियां लिखड़ेंगी। सुनो इधर आओ, क्या आज हमारी सालगिरह है, आपने किसी को इनवाइट भी नहीं करा यार। तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सभी को बताता फिर मैं, जा है। तो है? प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू है मेरी जिंदगी में, समझ गई तू? तू भी फिर प्रॉब्लम है, ये पड़े तेरे कपड़े चाकर लेकर जा अपने आप। दिमाग खराब करके दर दिया मेरी जिंदगी खराब। चाय बना दे। अभी बना दूंगी आपकी चाय। शादी तो पहले तो कह रहे थे मैं तुझे यहाँ ले जाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, ये घुमाऊंगा वो घुमाऊंगा, अब यहाँ कपड़े धुलवा रहे हैं मेरे पास। मुझे क्या पता था शादी तेरे से हो जाएगी। ये पड़े तेरे कपड़े सारे चक कपड़े। मीनू मेरी बात सुन, शाम को ना मेरे दोस्त आएंगे और उनके सामने मैं थोड़ा तुझे डांटूंगा, थोड़ा मतलब बोलूंगा कुछ तो कुछ, तू ना बिल्कुल भी गुस्सा ना मान यार, बैक जवाब ना दिया उल्टा बिल्कुल भी। बात ऐसी है मेरे बस की नहीं है, ठीक है ना? 200 रुपए ले लियो।
यार मेरी बात सुनो दोस्तों, मैं काम नहीं चलने वाला। फिर कितना लेगी? 500 रुपए दे दिए। चल ठीक है ले लियो, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ ना बोल जाओ, उल्टा बता रहा मैं तुझे। मेरी बात सुनो, नहीं बोलने की, सिर्फ एक घंटा चुप रहेंगे, अगर उससे ज्यादा हुआ मेरे बस की नहीं है, फिर दे दो 500 रुपए। ठीक है चल डन डन। क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब कर रख दे, थर तक आगे इतनी बार घर में ऐसी लगवा दो तो लगवा दूंगा अभी। कद को लगवाओगे जब गर्मी चल जाएगी? इसका ज्यादा ना बोल लेकर, तू इतना दिमाग ना गर्म करे कर, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसे लगवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने का, क्यों दिमाग ही तेरा इतना गर्म रहा।